नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी रीट की एग्जाम में यानी कि आने वाले हैं। तो संविधान पर ज्यादा फोकस रखिएगा, और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 109 प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और वीडियो नंबर कौन सा है, ये वीडियो नंबर हैज, और यहाँ पर 21वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में यानी कि भारत की कंप्लीट सभ्यता करवाई थी, यानी कि 20वें नंबर के वीडियो में। तो तैयार हो जाएगा 109 प्रश्नों को क्रैक करने के लिए, और यहां पर पता कीजिएगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अगर संविधान वाला भाग आपका कमजोर है तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। संविधान से आपके यहां से यानी कि 11 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि SST में, सामाजिक अध्ययन में। तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में भारतीय संसद दे रखी है, लोकसभा हो जाएगी, राज्यसभा हो जाएगी, और उपराष्ट्रपति, वैसे तो हमने पिछले यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति करवा दिया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी कि राज्यसभा और उपराष्ट्रपति का संबंध होता है दोनों का, तो इस तरह से हमने इसमें वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि हमने पिछले नहीं करवाए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, और जुड़ जाइएगा जितने हो सके स्टूडेंट आपके अपने YouTube चैनल के साथ। तो देखिएगा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का दिल्ली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन कौन सा है, बताइएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, या फिर सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या फिर कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइएगा। यहां पर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, 240 या फिर 252 या फिर 550, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 250 हो सकती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में अगर आपसे पूछे तो 245 हो जाएगी, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं, राज्यसभा के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, 2 सदस्य यहां पर लोकसभा में राष्ट्रपति करता है, तो टोटल सदस्य अगर आपसे पूछे तो 14 सदस्यों को नामांकित करता है कौन, राष्ट्रपति। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है किसका होता है, राज्यों का होता है, संघ शासित क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त में से दोनों का होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों का होता है, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है यहां पर उत्तर प्रदेश का, अगर चाहे वो यहां पर राज्यसभा में पूछे, लोकसभा में पूछे, विधान परिषद में पूछे, विधानसभा में पूछे, और जनसंख्या के आधार पर पूछे, तो यहां पर दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगर जो लोग स्टूडेंट यहां पर पहली बार जुड़े हो, पहली बार विजिट किया है यहां पर चैनल पर, तो प्लीज यहां पर यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपके अपने YouTube चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज यहां पर करते रहिएगा सारे प्रश्नों को, यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपको यहां पर मिलने वाले हैं 110 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहां पर करेंटली, ये आपको यानी कि एग्जाम में आने की संभावना है पूरी, क्योंकि RBSC के सिलेबस पर आधारित है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको यानी कि सब्सक्राइब कर पाते हैं, लाइक कर पाते हैं और शेयर कर पाते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 सदस्यों का चुनाव होता है अकेले उत्तर प्रदेश से, किसमें, राज्यसभा से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, आंसर दीजिएगा सभी, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 21 या फिर 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 30 वर्ष होना अति आवश्यक है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन या फिर 4 वर्ष के लिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसको इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है, लेकिन हां इसको समाप्त किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहां पर, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या फिर सीधे जनता के द्वारा या फिर लोकसभा सदस्यों के द्वारा या फिर लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो निर्वाचित सूची में है यानी कि उनका नाम है उनसे होता है। अगला देखिए यहां पर, यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्यसभा एक है स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है या फिर वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है, क्या है इसका सही आंसर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये स्थायी सदन हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय जनता का या फिर राज्यसभा के सदस्यों का या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का या फिर राजनीतिक दलों का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 निर्धारित की गई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा की अगर आपसे पूछे तो 552 अधिकतम हो सकती है। अगला देखिएगा यहां पर, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है 554, 545, 500 या फिर 550, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 545 है वर्तमान में, कितनी है 545 वर्तमान में है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 सदस्यों को। अगला देखिएगा यहां पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है बताइएगा, तो इसका सही आंसर बताइएगा तो इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं। अगला देखिएगा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें स्थित है, अब यहां पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें पूछी है, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। बजट सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि लोकसभा में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर। अगला देखिएगा, भारतीय संसद में सम्मिलित है कौन कौन है, भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा, राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पर राष्ट्रपति ये भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्यक्ष प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी हो चाहिए बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। लोकसभा में राज्यों के लिए किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, ऑप्शन आपके सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में मिलता है बताएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर 80, जी हाँ अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यानी कि 79 अनुच्छेद में मिलता है संसद का निर्माण, उसके बाद यहाँ पर यानी कि लोकसभा का जो गठन मिलता है वो 81 अनुच्छेद के तहत मिलता है, और यहाँ पर राज्यसभा का जो गठन मिलता है वो यहाँ पर अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है, तीनों आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिए यहां पर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, या फिर निर्वाचित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचित किया जाता है। अगला देखिए यहां पर, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर भेजती है बताइएगा, संघ लोक सेवा, यहां पर संघ शासित प्रदेश की बात हो रही है, 19, 20, 22 या फिर 25, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 20 सदस्यों को, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनसे 20 सदस्य चुनकर आते हैं यहां पर, सबसे अधिक दिल्ली से चुनकर आते हैं 7। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 530 सदस्यों को। अगला देखिएगा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है, कौन सी जनगणना के आधार पर जो आवंटित किए गए है वो है वर्तमान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 के तहत, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, दक्षिण बॉम्बे है, या फिर चांदनी चौक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चांदनी चौक हो जाएगा, और ये चांदनी चौक कहां पर है, दिल्ली में है, यानी कि ये हो जाएगा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा सबसे कम यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचित क्षेत्र है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है बताइएगा, बाड़मेर है, कच्छ है, लखनऊ है, या फिर लद्दाख है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख आपका, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला देखिए, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ऑप्शन आपके सामने है, 3 वर्ष, 4, 5 या फिर 6, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहां पर, लोकसभा में राज्य बार सीटों का आवंटन
1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। बिल्कुल सही है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं बताएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय मामले के मंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखिएगा यानी कि संविधान कंप्लीट करना है तो देखिएगा आप टीवी जरूर देखते होंगे, तो टीवी में दो चैनल सबसे महत्वपूर्ण है, एक लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये चैनलों पर ज्यादा ध्यान दोगे आप यहाँ पर यानी कि मूवी के बजाय या फिर कोई धारावाहिक के बजाय इन पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका संविधान बहुत अच्छा हो जाएगा। और करंट के लिए आप न्यूज देखा करो दोस्तों, यहाँ पर रोज एक दो घंटे न्यूज देखा करो कि आज बड़ा अपडेट क्या हुआ है देश में, तो वहां से आपकी यानी कि करंट कंप्लीट हो जाएगी और संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और देखिएगा आपके संविधान से यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी रिट की एग्जाम में, तो इनको आपको याद कर लेना है कैसे भी करके। इससे पहले हमने देखिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, एक वीडियो करवाया था दूसरे नंबर का, या फिर अनुच्छेद हमने कंप्लीट करवाए थे उसमें, और ये संविधान संशोधन भी उसमें कंप्लीट करवाए थे दूसरे नंबर के में, तो ये तीसरे नंबर का वीडियो है, तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है बताना होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर बताना होगा, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिएगा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है सबसे पहले बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा कितनी है बताइएगा, 28 लाख, 40 लाख, 50 लाख, या फिर 70 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 लाख अब निर्धारित कर दिया है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सांसद चुनाव लड़ता है तो उसका जो खर्चा होना चाहिए वो यहां पर 70 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला देखिए यहां पर भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, शून्यकाल का जो समय होता है जैसे प्रश्नकाल होता है शून्यकाल होता है उसका समय कब से निर्धारित किया गया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर राज्यसभा विघटन हो जाती है बताना होगा 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, या फिर 5 वर्ष बाद, या फिर कभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, विघटन नहीं होता है किसका, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताएगा। तो इसकी संख्या हो सकती है 250 हो सकती है, बिल्कुल सही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितनी प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य निर्वाचित करके ये लोकसभा में भेजता है दिल्ली। अगला देखिए यहाँ पर अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष प्रौढ़ स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है प्रौढ़ स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर निर्वाचित आयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर को नियुक्त करता है एसआई। देखिएगा यहाँ पर एसआई पूछा है तो इसका राष्ट्रपति करता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसआई अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रपति करेगा। अगला देखिएगा अगर जो भी स्टूडेंट नए हो पहली बार जुड़े हो यूट्यूब चैनल से तो प्लीज यहां पर सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियो को देखना प्रारंभ कर दो दोस्तों। यहां पर अगर आपको कोर्स मात्र 10 दिन में कंप्लीट करना है एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का तो दोस्तों यहां पर इन वीडियो को जरूर देख लो। और जो हैज वीडियो वाले आ रहे हैं आपके लिए, हैज वीडियो आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहां पर, ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों में। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी कि दायर की जा सकती है, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मतों के बराबर रहने की स्थिति में यहां पर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला देखिए यहां पर, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, या फिर उसे राष्ट्रपति पद की सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त है, या फिर वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या फिर उपयोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे राष्ट्रपति पद की सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान सभा राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसभापति ये कार्य करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। अगला देखिए यहां पर, राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सदस्य का होना अति आवश्यक है, किसमें, राज्यसभा में। अगला देखिए यहां पर, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी बताएगा करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 43 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर, इनको भी अच्छे तरीके से आपको क्रैक करना होगा और याद कर लेना होगा। और प्लीज बताओ वीडियो कैसा लग रहा है यहां पर, और लाइक देखते हैं कितने स्टूडेंट लाइक कर पाते हैं, किन्होंने नहीं कर रखा है, प्लीज लाइक करो, वीडियो को लाइक करो यहां पर, और एक बार शेयर कर दो यहां पर, वीडियो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन भारतीय संविधान का है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह तक रोक ही रख सकती है, किसको, यानी कि जो सामान्य विधेयक होता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको यहाँ पर 14 दिनों बाद लौटाना पड़ता है राज्यसभा को। अगला देखिए यहाँ पर, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 दिन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधि करती है बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा लाल कानेरिया हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कहां पर है, ये उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में है ये। अगला देखिएगा इलाहाबाद में है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगला देखिएगा यहां पर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। अगला देखिएगा यहां पर, वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 530। ये थोड़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला देखिएगा यहां पर, ये भी रिपीट हुआ है। अगला देखिएगा यहां पर, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कितनी सीट है, तो ये हो जाएगी 545 हो जाएगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य करते हैं, बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा एवं परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1952 में हुआ था। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिएगा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधि आयोग का अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, यहां पर भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श दे सकता है। अगला देखिए यहां पर, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता बताइएगा, अध्यक्ष नहीं डाल सकता है, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लोकसभा का सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है वो यहां पर पहले चरण में वोटिंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन हां स्थायी अध्यक्ष को, एसआई जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, मीरा कुमार हो जाएंगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, ऑप्शन आपके सामने है। लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, या फिर अगली लोकसभा के गठन के बाद, या फिर राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, कौन है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद जो नई लोकसभा का गठन होता है तब यहां पर अपने से बीच में अपने जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके उनमें से यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला देखिएगा यहां पर, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में एक महासचिव भी होता है जिसकी नियुक्ति यहां पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला देखिएगा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा श्री मावलंकर हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जाते हैं कहां पे। तो ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा। तो इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सत्र, बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतकाल, ग्रीष्मकालीन और मानसूनी सत्र, ये तीनों सत्र यहां पर वर्ष में 3 बार बुलाए जाते हैं। अगला देखिए यहां पर, उपराष्ट्रपति है बताना होगा, संसद सदस्य सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये सांसद सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह राज्यसभा का पदन अध्यक्ष होता है, याद कर लेना। अगला देखिए यहां पर, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही है आपका, उपराष्ट्रपति करता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा नहीं किया जा सकता है, केवल केवल सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। अगला देखिए यहां पर, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के सदस्य, संसद के सदन, लोकसभा के सदन, राज्यसभा के सदन या फिर मंत्रिमंडल के सदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला देखिए यहां पर, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राज्य में राज महाधिवक्ता होता है दोस्तों, यहां पर एक होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, ये यानी कि महान्यायवादी आपको याद करना होगा। अगला देखिए यहां पर, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है ये यहां पर शासकीय अधिकारी होता है। अगला देखिए यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। अब वेतनों से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2,80,000 रुपए उसको वेतन दिया जाता है। अगला देखिए यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। अब अन्य न्यायाधीशों की बात हो रही है तो वेतन थोड़ा घट जाता है, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कम हो जाता है, तो कितना हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई है और यहां पर अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात हो गई है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है कितना होता है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय की बात हो रही है जो राज्यों में होता है, सॉरी जो राज्यों में उच्च न्यायालय होता है उसका कितना होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 2,50,000, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। तो इसका अन्य न्यायाधीशों का उनसे कम होता है, तो कितना होता है, 2,25,000 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यहां पर आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा, और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहां पर नीचे देखिएगा, यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नीचे यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, प्लीज यहां पर सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। यहां पर अगर आपको यहां पर यानी कि संविधान कंप्लीट करना है, SS कंप्लीट करनी है आपकी रेट वालों के लिए, तो दोस्तों यहां पर वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना दोस्तों। यहां पर अगला जो वीडियो होगा यहां पर यानी कि इसका पार्ट 4 होगा संविधान का होने वाला है। धन्यवाद।